दोस्तों काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर। बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर काफी अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। फाइनली जो है इसका काफी दिन से इंतजार था कि आपका री एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड कब आने वाला है, री एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आने वाला है। तो ऐसे में इसका ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल जो है आपका एग्जाम डेट जारी हो चुका है, एग्जाम टाइम आपका जारी हो चुका है, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपका जारी हो चुका है। तो आप किस तरह से आप देख पाएंगे आज की इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस को समझेंगे कि कब तक आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, और क्या आपका एग्जाम डेट है, क्या एग्जाम का टाइम आपका रखा गया, क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, क्या आपका एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है। तो हम आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी को समझेंगे। तो पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है देखने के लिए, पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आपको गूगल या अपना मोबाइल में ओपन कर लेना है, या आप लैपटॉप में आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गूगल में आपको टाइप करना है CSBC, इस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पेज खुल कर आता है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं 11/7/24 को यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया बिहार पुलिस का। यहाँ से आपको बिहार पुलिस में आना है। उसके बाद यहाँ से 11/7/24 को यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस विल केयर टू डाउनलोड ये एडमिट कार्ड एग्जाम डिटेल्स, यहाँ से आपको क्लिक करना। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से पॉपअप आता है, तो यहाँ से ओके करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो इस तरह से आता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आता है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना डाउनलोड रिटर्न एग्जाम एडमिट कार्ड, तो यहाँ से आप क्लिक करना। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप दो तरीका से आप देख सकते हैं, पहला कि आप रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, और दूसरा आप अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करना है, उसके बाद कब तक फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। और अगर आप मोबाइल से करेंगे मोबाइल नंबर से, तो यहाँ से मोबाइल नंबर पहले डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, उसके बाद यहाँ से कब्जा डालकर सबमिट करना है, तो आपका पूरा डिटेल शो कर देगा। चलिए हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेते हैं, उसके बाद कब तक फिल करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो सबमिट आप जैसे करते थे रिटर्न एग्जाम डिटेल जो इस प्रकार से यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम डिटेल्स जो है पूरा इस प्रकार से यहाँ पर शो कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका फुल नेम रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका एग्जाम डेट भी दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम भी दिया गया, एग्जाम टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम टाइम यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप जानना चाह रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है यू कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम 11/24 12 AM तक आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। 12 AM तक आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, आपका 11/8/24 को 12 AM तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो अपना एडमिट कार्ड को 11/8/24 के बाद अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है कि कब से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है। बाकी यहाँ पर एग्जाम डेट भी दे दिया, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, रिपोर्टिंग टाइम दे दिया गया, एग्जाम टाइम भी यहाँ पर दे दिया कि कब कौन सा आपका एग्जाम डिस्ट्रिक्ट है, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दे दिया गया। बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप पूरा डिटेल को आप देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आने वाला है, एग्जाम टाइम आपका क्या है, एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, रिपोर्टिंग टाइम आपका कब है, एग्जाम टाइम क्या है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं। उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।